जब आपसे कोई भी पूछता है कि ऋषभ पंत की क्या दो ऐसी चीजें हैं जो फेमस है, जो ऋषभ पंत को सबसे अलग बनाती है, एक चीज तो आप बोलेंगे कि जो वो चेन पहनते हैं, जो मोटी सी चेन वो पहनते हैं अपने गले में, वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। दूसरी एक और चीज है जो ऋषभ पंत की तरफ से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती है, जो एक ट्रेडमार्क या ट्रेड साइन, पर्सनैलिटी साइन बन चुका है पंत का। कौन सी वो दूसरी चीज है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान से इस वक्त दूर चल रहे हैं, फैंस को उनकी उम्मीद है, उनके आने की उम्मीद है कि वो जल्दी आएंगे और आईपीएल में छा जाएंगे। आईपीएल से पहले भी वो खेल सकते हैं, शायद अफगानिस्तान सीरीज या उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन उसके लिए उनका पूरी तरीके से फिट होना जरूरी है। हालांकि इन दोनों सीरीज में पंत खेलते हुए नजर आएंगे ऐसा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने उनको अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। बीसीसीआई अच्छी चीज है कि उनके साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ चोट नहीं लगी थी, उनका एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था, और चोट से इंसान फिर भी उबर सकता है, फिर भी आप उसके साथ रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर किसी इंसान का इस तरीके से दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ हो तो उसके साथ आप रिस्क नहीं लोगे। तो यही चीज बीसीसीआई कर रही है और पंत के साथ, पंत की हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो पूरा साल भर आपका क्रिकेट होता ही रहेगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। टैलेंट उन पे कूट कूट कर भरा हुआ है, जब भी वो आएंगे आई एम श्योर अपना टाइम लेंगे, उसके बाद एक बार सेट हो गए तो दोबारा से वो टूटी हुई लीड जो थी वो हासिल कर लेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि दूसरी कौन सी चीज है जो ऋषभ पंत की बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी चीज है उनकी बकेट हैट। दरअसल पहली चीज है उनकी वो चेन, उसके बाद दूसरी चीज है उनकी बकेट हैट। बकेट हैट उनको पहनते हुए आपने कई बार देखा होगा, अलग अलग मौकों पर देखा होगा। आपने देखा होगा जब एशिया कप से पहले टीम इंडिया अलूर में प्रैक्टिस कर रही थी, उस टाइम पे भी ऋषभ पंत के सर पे ये बकेट कैट ही विराजमान थी। तो बकेट हैट में आपने उनको बहुत ही ज्यादा बार देखा होगा। इसी कड़ी में पंत ने इंस्टाग्राम पर एक अपडेट दिया है, एक फोटो शेयर करी है अपनी, जिसमें उन्होंने वही अपनी मन पसंदीदा बकेट हैट पहनी हुई है, और उसी में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा अपने चाहने वालों से, अपने फैंस से, अपने फॉलोवर्स से कि क्या मुझे और बकेट हैट लेनी चाहिए, क्या ये मुझ पर सूट कर रही है, अगर मुझ पर सूट कर रही है तो क्या मुझे ये और ज्यादा पहनना चाहिए, क्या मुझे और ज्यादा खरीदनी चाहिए, और उसमें यस और नो दोनों के ही ऑप्शन है। अब आप बताइए क्या आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत को बकेट हैट सूट करती है, क्या उनको लेनी चाहिए बकेट हैट, क्या उनको अपने सर पर ये खूबसूरत सी टोपी हमेशा के लिए विराजमान कर देनी चाहिए, यानी एक ट्रेडमार्क, एक ट्रेड सिंबल जो है वो बनाना चाहिए या नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर बताइए।